रही हो? अमरूद खा रहे हैं। परले दर्जे की झूठी हो, खा सेब रही है और कहती है अमरूद खा रही है। जब पता ही है तो पूछ क्यों रही है? वैसे आई क्यों है आप यहाँ? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। रिश्ता? आप मेरे लिए रिश्ता लेकर आई हैं? हाँ, लड़का वापडा में नौकरी करता है। 400 गज का मकान है उसका। अकलौता है, राज करेगी तो वहाँ राज। खाला छमो, एक बात तो बताएं, आप अपने मरे हुए शौहर से कितना प्यार करती थी? अरे थी नहीं, हूँ। उनके बगैर तो मेरी जिंदगी देख सूनी सूनी हो गई है। क्यों ना हम आपको आपके मरे हुए शोहर के पास भेज दें? क्या बकरी है? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहिए ना तो आज के बाद ये रिश्ता विश्ता लेकर मत आना। अरे मुझे तो अख्तरी बहन ने कहा था। अब जो मैं कह रही हूँ ना उससे दिमाग में बिठाएं। अकील भाई से तेरी शिकायत लगाऊंगी। आराम से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा? हाँ, अगर खबरदार अगर अम्मा और अब्बी ने पति को कुछ भी बताया ना तो फिर देखना। समझ आ रही? अच्छा नहीं करूँगी, छोड़ देते मीना। शाबाश। क्या हो रहा था ये? कुछ नहीं, खाला छम्मो का पट्टा चढ़ गया था, वही बिठा रही थी। अब दर्द ठीक है। अच्छा छम्मो, तुझे रिश्ते का कहा था, क्या किया तूने? अरे बहन, पूरे शहर में रिश्तों का काल पड़ गया है। वैसे भी तहमीना मुझे बहुत अजीज है, तो मैं नहीं चाहती कि जल्दी में किसी ऐसी वैसी जगह पे ब्याह दूं। अच्छा खुदा हाफिज, मैं जाती हूँ। खाला चाय वाय नहीं पियेंगी?
नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगी। अच्छा इसकी बहन मैं जाती हूँ। हाला पी जाती चाय। ये क्या किया तुमने छम्मो के साथ? क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। पूछ ले नाज़ जैसे यहीं खड़ी थी। अब तहमीना बिल्कुल ठीक है। ये तहमीना चुप कर। ख्वाजा का गुआ डड्डू, ले ये पकड़ पैसे और जाकर ख्याली की दुकान से दाल चावल लेकर आ। पर ख्याली चाचा तो हमसे पैसे नहीं लेते। इसका मतलब है ख्याली चाचा ना हमसे कम पैसे लेते हैं, मंडी के भाव ही दे देते हैं। अच्छा जा भी, जल्दी जाओ। देखना मैं यूं गई यूं आई। डॉन तूने साला छम्मो को क्यों भगा दिया? क्योंकि मुझे शादी वादी नहीं करनी। कब तक शादी नहीं करेगी तू? देख नाज़िया अगर मैंने शादी कर ली तो अम्मा और अब्बी अकेले हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि वो तन्हा रहे। तू भी ना कमाल कर दिया। डॉन हाँ मुआशरती बुराई। अच्छा इनको तो मैं देखती हूँ। रुक जा जरा। ठहरा तू। तू इधर आ इधर आ इधर आ। खाला सफिया सारा दिन सिलाई करती है, तेरी स्कूल की फीस से भेजती है और तू यहाँ पर गोलियां खेल रहा है। आज गोलियां खेलेगा तो कल गोलियां चलाएगा। जल्दी से कान पकड़। बाजी कान छोड़ोगी तो पकड़ूंगा ना। चल मुर्गा बन। खींच जा जा। रुक नाज़े भाग गया। इतना तेज है ये हमें चकमा दे गया। तू फिक्र ना कर इसकी मुरम्मत ना उधार रही। गुस्सा आ रहा है शदीद किस्म का। शेख अंकल पे निकाल दे गुस्सा। बेल बजा के लाऊं तेरे कपड़ों के लिए पैसे? पैसे नहीं है मेरे पास। तो कमाए ना। किसने कहा है घर पे बैठे यहाँ वहां से मांग तांग के गुजारा करती हूँ? तो टफ में बहाने की जरूरत नहीं है वरना तीन बोल बोल के ना पार कर दूंगा तुझे। समझ रहे कर ले ये हसरत भी पूरी हर वक्त डरावा देते रहते हैं। क्यों? खबरदार इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं बोलना। गैरतमंद मर्द बात करने से पहले सोचता है। अरे जुर्रत तो देखो इस चिश्ती की। तुझे कह दिया मैं तो कहती हूँ लगा दो इसको लगा ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है वरना क्या कर लेगी? मैं घर चली जाऊंगी। रुखसाना पर हाथ उठाया ना तो ये हाथ तोड़ दूंगा तेरा, घर से निकाल दूंगा तुझे। जा तो हो जाए ऐसा। जा ना ना मेरी बच्ची ना। बस चुप चुप सब ठीक हो जाएगा। बस चुप बच्चा है कोई बात नहीं। जा जा मेरी बच्ची जा जा बस बस सब ठीक हो जाएगा। जा
क्या हुआ चाचा? मैं बस बस बेटा, मेरे कान पक गए हैं, बस कर बस कर। ये ले दाल उठाओ अपनी, हाँ? और कितने हो गए? 172 और 172 निकालो। चाचा आपने पूरी बात सुनी नहीं, इतने दुख वाली बात है, पता है कितना जुल्म हो गया। क्या हुआ? खुदा खैर करे। ये बेचारी नाजिया है ना, हाँ? इसकी फूफी साहब बहन के शौहर की साली के नन के मामू की बेटी के हमसाये का शौहर हादसे में फौत हो गया। तो बेटा बड़ा घूम घाम के अफसोस हुआ। अच्छा 172 रुपए निकालो ना। अरे चाचा पूरी बात सुनते ही नहीं, बीच में बोल पड़ते हैं। आपको पता है उसके घर वाले सोच रहे कि आप बेचारी के लिए कोई नौजवान सा लड़का ढूंढ के हाथ पीले कर दे। हाँ, अच्छा वो बेवा की उम्र अजीज क्या होगी? चाचा की कोई 22-23 साल। हाँ 22-23 साल, भाई फिर तो आप दाएं बाएं देखें, कोई कमारा रिश्ता भी मिल जाएगा। चाचा आप क्यों नहीं कर लेते उससे शादी? हाँ हाँ, अब क्या कमी है चाचा में? आप किसी जवान से कम है क्या? हाँ बस अगर थोड़े से बाल रंग लेना तो बड़े बड़े हसीनों जमीन क्या करते नजर आएंगे, पानी भरते नजर आएंगे आपके सामने। पानी भरते नजर आएंगे। आइसक्रीम कौन सी खाओगी तुम दोनों? ऑरेंज। मैं भी ऑरेंज। ऑरेंज अच्छी चीजें नहीं चढ़ना। अरे अच्छा फिर वो दोशीजा से कब मिलवा रही हो मुझे? चाचा बाल तो रंगवा ले फिर मिलवा भी देंगे, कितने पैसे हुए? अरे पैसे पैसे काहे के लिए भाई, अब हम इतने गए गुजरे नहीं है कि अपनी बेटियों से पैसे ले। जैसे आपकी मर्जी चाचा। बाय बाय, चलते हैं। अरे मुझे कोई चीज दो, क्या करूं मैं? शेख अंकल क्या हुआ? हाँ, और कोई बेल बजा के भाग गया फिर? कौन होगा? कोई पागल का पुत्र। पागल की पुत्री भी तो हो सकती है ना, आपने देखा तो नहीं? ओए, ओए, मैं देख लेता तो उसकी गिच्ची ना मरोड़ देता। आए, 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 कैसे आराम से सो रहा, यूं लगा जैसे जलजला आ गया है। घंटी के बटन पे उंगली रख के वो पागल का पुत्र उंगली उठाना ही भूल गया। आए। कितना बुरा हो ना आपके साथ। चले माफ कर दे, पहली बार हुआ तो माफ करना तो बनता है। वो पहली बार नहीं हुआ, रोज रोज होता है, बार बार होता है। कोई बात नहीं, एक दफा पकड़ा जाए वो चित्राल करूंगा, वो चित्राल करूंगा कि नानी याद आ जाएगी उसको। चले अंकल आप भी पता करें, हम भी नजर रखते हैं, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। सुना नहीं है 100 दिन चोर का 1 दिन चाका। बाय बाय। तेई तेई। बाय बाय। मैं ये लें 30,000 रुपए। माँ सबके कुर्बान जाए, खुदा तुझे सलामत रखे। माँ बाप जीशान को समझाए, बेरोजगार शौहर सारी रात घर से बाहर रहे तो कौन सी बीवी बर्दाश्त करेगी? तो रुखसाना कौन सी कम है, घर भर की जबान है उसकी। पैसे मांग रही थी जीशान से कपड़ों के लिए, बस उसको गुस्सा आ गया। ये घर है,
उसे कहें बदमाशी करनी है तो घर से बाहर जाकर करे। सोच बेटा, जवान जहान है जीशान, खाली जेब उकताएगा नहीं तो और क्या करेगा। बेटा तू बड़ा है इस घर का, बाप की जगह सिर्फ प्यार से समझा उसे, प्यार की जबान सबको समझ आती है। आपका लाडला नहीं समझता। ठीक है मां, मैं करूंगा बात जीशान से। अरे बेटा खुदा तुझे सलामत रखे जो मेरी जरूरतें पूरी करता रहता है। शुक्र है घर में आ गई वापस। जहाँ जाती हो जम के ही रह जाती हो। अरे घर में घुसने को जी नहीं चाहता तुम्हारा। क्या लो मैं सामान, पता है चाचा ख्याली की दुकान पर इतना रश्ता कि क्या बताओ। क्यों ना गया? हाँ हाँ खाला। ख्वाजा का ग्वार डड्डू और क्या कंचे दे? ये अब ये देख। ये क्या है? नया खेल है पागल, बता किसको लगाऊं? इसको मार ले। कम वक्त अम्मा इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? अस्सलाम वालेकुम अब्बी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। जी तो कैसी हो नाजिया? मैं बिल्कुल ठीक। देखा बजाय उसे समझाने के आप तो उसे बढ़ावा दे रहे हैं। अरे बढ़ावा कैसा, मैं खुद बचपन में कंचे खेलता रहा हूँ। आप मर्द हैं। तो तुम इसे क्या समझती हो? ये बेटा है मेरा बेटा। ला बेटा कंचे दे। ला बेटे भी दे। बिस्मिल्लाह। अब बोल किसे उड़ाना? अभी वो नीली वाली नहीं, वो पीली वाली। अरे नहीं बेटा, वो पीली वाली जरा नजदीक है, मुश्किल निशाना होना चाहिए। लो भाई अब ये इस नीली को उड़ती हुई देखना। अरे बाप रे, क्या पकड़ बस ये लो भाई पुराना निशान। आप ना शुद्ध तो शुद्ध नहीं भाई, अब तुम खेलो मैं जरा उसका गुस्सा। देख कंचे दे आई सारा भाभी। ले अब तू अकेली खेल, मैं जो आ रही हूँ। शाम को पक्का आएगी ना? जिने शौकत भाई कहाँ है? शौकत भाई तो किसी काम से गए हैं, तू काम बता। न्यूजीलैंड खेलना है आज। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने हैं। इस ताने का मतलब? पहले जो पैसे हारा है उनका बंदोबस्त कर, फिर पैसे उतार, फिर खेलें जुआ। देख जीने, तू यार है मेरा, आज सिफारिश कर दे शौकत भाई से कि आज उधार खेलने दे। बेवकूफ इंसान, ये जुआ खाना है, बुक क्या है ये? कोई परचून की दुकान नहीं कि सौदा लिया और उधार कर लिया। चीने बस कुछ दिन की बात है, मेरे पैसे आने वाले, मैं पिछले सारे पैसे चुका दूंगा। और सोच, अगर आज मैं जीत गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं ना, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मेरी बात मान, चुपचाप यहां से निकल जा। अगर शौकत भाई आ गए ना तो बांध देंगे इधर। शाबाश कल्टी हो जा। से क्या बात करेंगी आप? तहमीना के रिश्ते के लिए। खुदा का खौफ करें,
तहमीना 22 साल छोटी है मुझसे। अदनान भाई के लिए तहमीना ही क्यों है? इस रिश्ते से अख्तरी की नजरें हमेशा के लिए मेरे सामने झुक जाएंगी। और दूसरा, कब तक मैं किराए के मकानों में धक्के खाऊंगी? इस शादी के बाद अकील का मकान मेरे कब्जे में आ जाएगा। यानी एक तीर से दो शिकार। वकील से क्या बात करेंगी आप? तहमीना के रिश्ते के लिए। खुदा का खौफ करें, तहमीना 22 साल छोटी है मुझसे। अदनान भाई के लिए तहमीना ही क्यों है? इस रिश्ते से अख्तरी की नजरें हमेशा के लिए मेरे सामने झुक जाएंगी। और दूसरा, कब तक मैं किराए के मकानों में धक्के खाऊंगी? इस शादी के बाद अकील का मकान मेरे कब्जे में आ जाएगा। यानी एक तीर से दो शिकार। अकेली रह गई।